अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बच्चों? आज आप लोगों को मालूम है जुम्मे का दिन है और इस वक्त 4:30 बज रहे हैं दोपहर के। आप लोग देख रहे होंगे कि तमाम पूरे आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक भी, और एक अगर अंदाज़ा भी देखा जाए तो कुछ ही देर में बारिश जो है वो शुरू होने वाली है। आसमान पूरा, अगर आप इसको साउथ की तरफ देखें तो बिल्कुल डार्क हुआ हुआ है, और ये जो काली घटाएं हैं जुलाई के मिड में से लेकर और अगस्त तक, ये पाकिस्तान में मानसून सीज़न कहलाता है। मानसून बरसात को कहा जाता है, बरसात के मौसम को कहा जाता है। और इस वक्त आपके सामने ये जो बरसाती मौसम मानसून एक सीज़न पाकिस्तान में आता है, कहा जाता है कि समंदर में गर्मियों के इन दिनों में दो तरह के प्रेशर बन रहे होते हैं। एक ज़मीन की तरफ जो हिमालय है उस तरफ एक लो प्रेशर बनता है, और समंदर से आने वाली हवाएं उस प्रेशर की तरफ जो है मूव करती हैं, और उस सूरत में जो पानी समंदर से बुखारात की सूरत में बादलों में जाता है, और इस तरह से ये एक सिस्टम जो है रैन का स्टार्ट होता है। और आपके सामने अगर आप इस तरफ देखें तो ये इस तरफ आप देखा आपने कि घट जो है वो अभी आसमान साफ है, मगर अगर आप अपने साउथ की तरफ देखें तो बहुत डार्क जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा मौसम। घटाएँ जो है वो चढ़ रही हैं बरसात की। अल्लाह पाक इस बरसात को हमारे लिए रहमत बनाए, चूँकि हमारे यहाँ इंतज़ामात उस अंदाज़ में नहीं होते शहर में, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे सिटीजन्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। अल्लाह हम सब के लिए इस बारिश को बाई से रहमत बनाए। तो आप लोगों के साथ जो इस वीडियो को शेयर करने का मकसद है वो ये कि हमें पता होना चाहिए कि मानसून क्या है और इसका ये इन दिनों में ही इतनी बारिश क्यों होती है। अक्सर ऐसे भी इलाके हैं जहाँ रोज़ाना बारिश होती है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ वीकली बेसिस पे होती हैं। अगर हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो वहाँ 15 दिन बाद, 10 दिन के बाद हमें बारिश जो है वो होती हुई नज़र आती है, मगर हमारे जो सिंध का एरिया है, यानी जो प्रोविंस है हमारा सूबह सिंध, यहाँ पे जो है इसका एक लिमिटेड पीरियड होता है, और उन दिनों में ही ये बादल जो है वो हम देखने को, इतने डार्क बादल देखने को मिलते हैं कि किस तरह से अभी आप ये देख रहे हैं कि डार्क जो है वो होता चला जा रहा है, और किस तरह से अब से देखें कुछ ही देर में इम्कान है कि बारिश जो है वो शुरू हो सकती है। तो आप भी इस मौसम को इंजॉय करें, और के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक पैगाम अब से कुछ देर में हमें देखने को भी मिलेगा कि भाई जब आप बाहर निकलें तो बिजली की तारों को और उसके जो खंभे पोल हैं उनसे दूर रहें और एहतियात करें। परिंदे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हमें नज़र आ रहे हैं आसमान पे, वो भी बहुत खुश हैं, और सभी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि कराची वालों को ये मौसम बहुत कम ही देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और हमारी जो हमने बात बताई इस मानसून के हवाले से वो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और इस वीडियो के हवाले से अगर आप हमें कोई फ़ीडबैक देना चाहें तो कमेंट में हमें लाजमी इस हवाले से आगाह करें, और हम अपने स्टूडेंट के लिए ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस जिससे उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें इजाफ़ा हो, जनरल नॉलेज जो है वो उनका अच्छा हो, हम कोशिश करते रहेंगे कि अपने बच्चों के लिए इस तरह की मुख्तलिफ वीडियोस हम बना बना कर लेकर आते रहें। याद रखें, बारिश अगर बहुत तेज़ हो तो अपने घर में ही उसको इंजॉय करें, बाहर जो है वो इंतज़ामात कहीं एक बड़ा मसला होता है हम लोगों के सामने, तो एहतियात करते रहें और इंजॉय करते रहें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।